हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र यानी टैफ को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं सत्र 2022-23 के लिए। जैसा कि हर वर्ष बढ़ते हम टैफ, उसी को लेकर ये भी है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षक संस्था प्रधान को स्व मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाई और चुनौती का आकलन व शिक्षक प्रशिक्षणों का डाटा बास जो भी है गत वर्ष की बात तैयार करना है। इसके लिए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र बनना है। इसके लिए दिशा निर्देश इस प्रकार है कि राज्य के समस्त माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा के समस्त शिक्षकों व संस्था प्रधान द्वारा ये प्रपत्र बनना आवश्यक है और स्टाफ लॉगिन से ही भरा जाता है। स्टाफ लॉगिन से सालाधार पोर्टल पर सबसे जो है सभी शिक्षक साथियों को संस्था प्रधानों को ये बनना है ऑनलाइन। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2022-23 में भी दो बार यानी छः मई के आधार पर भरा जाएगा। तो प्रथम 6 मई जनवरी से 30 जून तक का भरा जाएगा। तो अभी जो हम भरेंगे प्रथम 6 मई का 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक का और द्वितीय 6 मई 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2000 के आधार पर सूचनाएँ दर्ज की जानी है। तो प्रथम 6 मई से संबंधित सूचनाओं को आवश्यक रूप से दिनांक 30 जुलाई तक शिक्षकों व संस्था प्रधानों द्वारा ऑनलाइन भरा जाना है। यानी अभी हमें प्रथम 6 मई से संबंधित सूचनाएँ ऑनलाइन करनी है, जिसमें 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक की जो स्थिति रही है वो आपको दर्शानी है और आपके जो भी प्रशिक्षण वगैरह हैं वो भी यहाँ पर बनने होंगे। प्रथम 6 मई और लास्ट डेट रखी गई है 30 जुलाई। और द्वितीय 6 मई से संबंधित सूचनाओं को आवश्यक रूप से भरने के लिए दिनांक 31 जनवरी 2023 तक शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाइन भरा जाना है। यानी द्वितीय 6 मई की भी तिथि निर्धारित की गई है, वो है यहाँ 31 जनवरी 2023 तक भरना है। फिलहाल अभी हमें 30 जुलाई तक ये कार्य करना है। प्रथम 6 मई यानी 1 जनवरी से 30 जून तक की सूचनाएँ ऑनलाइन करनी है टैफ में। शिक्षकों व संस्था प्रधान को प्रपत्र निर्धारित टाइम लाइन के अनुसार वेब पोर्टल पर नहीं भरे जाने वाले का अगले माह का वेतन आहरित नहीं हो पाएगा, न ही ऐसे कार्यों का वेतन वृद्धि लागू होगी। प्रपत्र नहीं बनने वाले शिक्षक संस्था प्रधान का वेतन आहरित ना हो, इसके लिए वेतन वृद्धि लागू नहीं करने के लिए जो PO है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने के उपरांत नियंत्रण अधिकारी टिप्पणी भी किए जाने के बाद प्रिंट ऑप्शन प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करके भरा हुआ शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रिंट कर लें, अपने समय के रिकॉर्ड के लिए भी संधारित कर लें। साथ ही बात करें तो शिक्षकों और संस्था प्रधानों को शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन भरने में कठिनाई महसूस हो रही है तो वो POCBU कार्यालय में जो ब्लॉक MIS इंचार्ज उनसे सहायता ले सकते हैं। प्रथम 6 मई में जनवरी से जून 2022 तक उपरांत CRC स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र की प्राप्त सूचना को विश्लेषण कर शिक्षकों के जो कार्य है समीक्षा माह अगस्त सितंबर 2022 में की जाएगी। समीक्षा बैठक तो प्रत्येक CRC को प्रत्येक शिक्षक संस्था प्रधान 2500 रुपये दे होगा। द्वितीय 6 मई में भी CRC स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अंतर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण किया जाएगा, माह फरवरी 2023 में की जाएगी। बैठक के लिए 2500 रुपये निर्धारित है। टैफ अपलोड करने के उपरांत प्राप्त डाटा का विश्लेषण PO ब्लॉक जिला स्तर पर किया जाएगा। टैफ के डाटा आधार पर किया गया रिकॉर्ड जो है सालाधार पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत मिस कैलनिस टीचर अप्रेजल फॉर्मेट टूल पर भी प्रदर्शित किया हुआ है। तो ये टैफ को लेकर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। समस्त शिक्षकों को जो है टैफ बढ़ना है, जैसा कि इसमें बताया गया है टैफ को लेकर निर्धारित जो भी है गाइडलाइन आ चुकी है और गाइडलाइन का पालन करते हुए हमें ये कार्य करना है। धन्यवाद।